नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कुरैशी ने जितना बड़ा मुंह खोला, पाकिस्तान को कीमत उससे भी ज्यादा चुकानी पड़ रही है। सऊदी अरब ने न सिर्फ अपना पैसा वापस करने का फरमान जारी कर दिया है, अपितु पाकिस्तान को उधारी में दिए जाने वाले तेल को भी बंद कर दिया है। पर इसी बीच पाकिस्तान ने सांप के मुंह में उंगली घुसेड़ कर नई मुसीबत को दावत दे डाली है। पाक की नेवी ने अरब सागर से गुजर रहे ईरान के एक तेल टैंकर से भरे जहाज को पकड़ लिया है। इस जहाज में ईरान का 1,00,000 बैरल से ज्यादा तेल भरा हुआ था। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि यह तेल स्मगलिंग होकर कराची बंदरगाह पर आ रहा था, जिसे कराची पहुंचने से पहले ही कब्जे में ले लिया गया। अमेरिका तक से नहीं डरने वाले ईरान को छेड़कर पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर 24 घंटे तक पाकिस्तान ने उसका जहाज नहीं छोड़ा तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाक नेवी द्वारा ईरानी जहाज को पकड़ा नहीं गया है, बल्कि उसे तेल के लालच में हाईजैक किया गया है, जबकि पाकिस्तान भी तेल के लालच में अंधा होकर इसे अवैध व्यापार के तौर पर दिखाने की कोशिश में है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके द्वारा की गई जांच में यह सीधे सीधे स्मगलिंग का मामला है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक ही वह कदम उठाएगा। यानी सऊदी के बाद अब ईरान से पाकिस्तान की ठन गई है। अब जिन्हें यह मसला बहुत ही सामान्य लग रहा है, उन्हें पाकिस्तान की मदरसा नीति की थोड़ी समझ प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि यह मुल्ला मुल्क ईरान से बेमतलब में नहीं उलझ रहा है, बल्कि अपनी चाल को मदरसा चाल से मात देकर एक दूसरे के साथ सहमत का खेल चालू कर रहा है, जिसमें चित और पट दोनों ही पाकिस्तान की है। इससे पता चलता है कि पाक की मदरसा कौम कितनी सातिर और हरामी है। पाकिस्तान ने ईरान के जहाज को पकड़ने का दुस्साहस तब किया जबकि सऊदी अरब उस पर बुरी तरह भन्नाया हुआ है। यह सीधे सीधे तस्करी का मामला नहीं है। जब से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां ईरान से सबसे ज्यादा तेल स्मगलिंग होकर पहुंचता है। यह सिर्फ पाकिस्तान से लगते ईरान के तापतान बॉर्डर और अन्य हिस्सों से ही तस्करी नहीं होता है, बल्कि जलमार्ग से भी पाकिस्तान में आता रहता है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार भी तस्करों को संरक्षण मुहैया कराती है। चूंकि ईरान आर्थिक प्रतिबंधों की चपेट में है और दुनिया से उसका व्यापार सीमित हो गया है, ऐसे में पाकिस्तान इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देकर ईरान की मदद कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान से लगभग 4,00,000 बैरल तेल इसी माध्यम से पाकिस्तान में पहुंचता है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े नेताओं का एक सिंडिकेट काम करता है। ईरान की तरफ से इसमें कोई रोक टोक नहीं होने के चलते पाकिस्तानी धड़ल्ले से इस अवैध कारोबार को चला रहे हैं। यहां तक कि टू व्हीलर पर बड़ी कैन के द्वारा भी ईरानी तेल पाकिस्तान में लाकर बेचा जाता है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि खुद पाक सरकार भी गैर कानूनी तरीके से ईरान से तेल मंगाती है, जिससे अमेरिका की नजर में आए बिना ईरान की मदद के नाम पर उससे दोस्ताना रिश्ते मजबूत किए जा सके। जिस ईरानी तेल टैंकर को पाकिस्तानी नेवी ने पकड़ा है, वे महीनों से कराची बंदरगाह पर आते रहे हैं, पर कभी भी उनको टोका नहीं गया। इस बार यह हरकत तब हुई है जबकि सऊदी ने पाकिस्तान पर खुलेआम तुर्की और ईरान के पाले में जाने के आरोप लगाए हैं। यानी पाकिस्तान ने ईरान से पंगा खामा खुआ नहीं लिया है, बल्कि वह सऊदी को यह दिखाने की कोशिश में है कि ईरान से उसके रिश्ते वह नहीं हैं जो सऊदी अरब को दिखते हैं। ईरान के तेल टैंकर को पकड़कर पाकिस्तान सऊदी अरब की नाराजगी दूर करने की चाल चल रहा है। पाक का पैतरा यही है कि ईरान से पंगा दिखाकर उससे दूर हो चुके सऊदी को करीब लाया जा सके। यानी मुगल जो डीएनए इनके भीतर प्रवाहित करके गए थे, उसकी मक्कारी और धूर्तता भी बदस्तूर है। यह कूटनीति का दायित्व जानते नहीं, इसलिए इनकी सारी शासन पत्ती में छल प्रपंचियादार स्तंभ है। सऊदी को खुश करने के लिए पाकिस्तान का यह दावा उल्टा पड़ गया है। ईरान ने पाकिस्तान को 24 घंटे के भीतर जहाज छोड़ने का अल्टीमेटम देकर पाक फौज की नींद उड़ा दी है। मजे की बात यह है कि सऊदी भी पाकिस्तान के इस ड्रामे का पूरा मतलब समझता है। यानी भारत से भागे इन दोगलों का चेहरा पुतने के कगार पर है। सऊदी अरब के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि पाकिस्तान भीतर खाने ईरान से पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा टमाटर मेवे भी चोरी छिपे आयात करता है, मगर उस वक्त पाक सेना ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। ईरान ने अंजाम भुगतने की धमकी देकर पाक की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की सीमा पर हलचल बढ़ गई है। हालांकि इनमें जंग छिड़ सकती है, इसकी कोई संभावना नहीं है, मगर हसन रूहानी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर तेल के अवैध कारोबार को चालू रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने खुद ही इस खेल को शुरू किया था, तब वह उससे बाहर निकलता है तो ईरान उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। यानी तेल और बिस्मिल्लाह दोनों ही हाथ से फिसलते जा रहे हैं, पर तेल पर मचाया घमासान यहीं तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब ने तेल बंद किया तो पाकिस्तान ने चीन से तेल आयात करने का फैसला ले लिया है। बड़ी बात यह है कि चीन जिस तेल को दुगने दामों पर बेचेगा, वह भी ईरान से ही चीन को निर्यात किया जाएगा। पिछले दिनों ही चीन ईरान के बीच 26 साल के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसमें चीन बड़ी मात्रा में ईरान से तेल खरीदने वाला है।
पहले भारत अपनी जरूरतों का 10% तेल ईरान से आयात करता था, जबकि चीन 15% तेल लेता था। चीन अब उसे 22% तक बढ़ाने जा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो चीन एक सोची समझी प्लानिंग के तहत यह कदम उठा रहा है। इस पूरे मामले में चीन पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट तेल परचेज करेगा, जिसे बाद में चीन से पाकिस्तान की रिफाइनरी को भेज दिया जाएगा। जिस वक्त चीन और ईरान के बीच यह समझौता हो रहा था, सऊदी पाकिस्तान द्वारा खेले गए इस गेम के माजरे को समझ गया था। खासतौर से पर्दे के पीछे से पाकिस्तान डबल गेम खेलने की कोशिश में था। मदरसा मुल्क एक तरफ सऊदी से मदद भी हड़पने के चक्कर में था, जबकि सऊदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ईरान से गलबैया भी जोरों पर थी। इसमें तुर्की के तड़के ने सऊदी को और अधिक भड़का दिया। कुरैशी का ओआईसी को दो फाड़ करने का बयान कारण नहीं है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले ही तय हो चुकी थी, जिसमें चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन जानता है कि सऊदी अमरीका का पिट्ठू देश है। अगर वह पाकिस्तान के ज्यादा करीब रहता है तो पाकिस्तान में निर्माणाधीन चाइना पाक आर्थिक गलियारे पर संकट के बादल मंडराते ही रहेंगे। इसलिए जरूरी था कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। यह आशंका इसलिए भी खरी उतरती है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को जो $1 अरब लौटाए हैं, वह चीन ने ही पाकिस्तान को दिए थे। जबकि पाकिस्तान ने घरेलू हालात के लिए जब चीन से मदद मांगी तो तब उसे कोई भी रकम नहीं मिल पाई थी। यानी चीन इस मुल्ला मुल्क का अधिग्रहण करने के लिए बड़े पैमाने पर गुप्त मिशन चला रहा है, पर बावजूद इसके पाक के जाहिल हुक्मरानों को चवन्नी भर की अकल नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया चीनी युआन से इतनी प्रभावित है कि सीपैक को गेम चेंजर बता रही है, जबकि इन अकल के अंधों को यह भी मालूम नहीं है कि जब से चीन ने सीपैक शुरू किया, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसी सीपैक की वजह से अमरीका और सऊदी जैसा उनका मजबूत देश उन्हें छोड़कर जा चुका है। वर्ष 2014 में जब नवाज शरीफ ने सीपैक के लिए चीनी परचम लहराया था, उस वक्त पाकिस्तान पर $64 अरब का कर्ज था, जो साल 2018 तक आते आते $95 अरब हो गया। इमरान के 2 साल के कार्यकाल के दौरान यह कर्ज $111 अरब हो चुका है। यानी इमरान ने $16 अरब का कर्ज पाकिस्तानी अवाम पर और लाद दिया। हालत यह है कि पाक के किसी मुल्ला के घर छोटा मुल्ला पैदा होता है तो वह अपने सिर पर ₹1.5 लाख का कर्ज लेकर आता है। साथ में लेकर आता है भारत विरोध की घुट्टी और अमेरिका, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों से दुश्मनी, जो उसके युवा होते ही उसे आतंकी बनने को प्रेरित करती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।